ओके गाइस, नाउ इफ आई से सॉल्व दिस इक्वेशन, तो गाइस आपको पता है रूल्स कि इक्वेशंस में अगर फ्रैक्शन आ जाए तो फ्रैक्शन सबसे पहले हमें ख़त्म करना है. ओके, तो फ्रैक्शन ख़त्म करने के तीन रूल है. रूल नंबर वन इज गाइस फैक्टराइज द डिनोमिनेटर. ये रूल कोई भी नहीं बताता, फैक्टराइज डिनोमिनेटर्स. रूल नंबर टू, आफ्टर फैक्टराइजिंग द डिनोमिनेटर, रूल नंबर टू, टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर. टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर. रूल नंबर थ्री गाइस, आफ्टर एलसीएम, दिस एलसीएम विल मल्टीप्लाई बाय ऑल द टर्म्स इन द इक्वेशन. ओके गाइस, सो दीज आर द थ्री रूल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आई सेड फैक्टराइज द डिनोमिनेटर. जब भी हम इक्वेशन से फ्रैक्शन खत्म करने तो हम डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करते हैं. गाइस व्हाट इज मीन बाय वर्ड फैक्टराइज? फैक्टराइज का मतलब होता है सिंगल टर्म बना. तो गाइस लुक एट, दिस इज ऑलरेडी सिंगल टर्म, दिस इज ऑलरेडी सिंगल टर्म, दिस इज ऑलरेडी सिंगल टर्म. द वर्ड फैक्टराइज मीन मेक इट सिंगल टर्म, मेक दैट डिनोमिनेटर सिंगल टर्म. बट लुक एट, डिनोमिनेटर इज सिंगल टर्म, डिनोमिनेटर इज सिंगल टर्म, डिनोमिनेटर इज सिंगल टर्म. इट्स मीन पहला रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से हुआ है. द रूल नंबर वन, How can we get rid of fractions from this equation? Step number one is factorize the denominator. Step number two is after factorizing denominator, take LCM of the denominator. So look here, guys. Take LCM of all the denominator. So guys, look here. The first denominator is 4, second denominator is 2, 4, then 4. And here, there is no denominator. Nahi hai. चाहे वो इक्वल्स टू के इस तरफ हो, चाहे वो इक्वल्स टू के इस तरफ हो. तो गाइस वी विल टेक एलसीएम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर. लुक हियर गाइस, 2 4 4, तो इट द एलसीएम इज 4 गाइस. 2 1s are 2 2 2s are 4 2 2s are 4 2 1s are 2 1s are. तो गाइस एलसीएम इज 4. स्टेप नंबर 2, टेक एलसीएम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर. देन स्टेप नंबर 2 गाइस, आफ्टर स्टेप नंबर 2 द नेक्स्ट स्टेप इज एलसीएम विल मल्टीप्लाई बाय ऑल द टर्म. LCM will multiply by all the terms. So guys, look here. What is my LCM? My LCM is 4. So my first term is, guys, 1 upon 2x square. So this LCM multiply with first term. It also, this minus also, my second term is, guys, 11x upon 4. So this LCM also multiply second term. So guys, then plus as it is. Then my next term is 5 upon 4. So guys, LCM also multiply with this term. And LCM also multiply with this 0. तो गाइस अब आपको याद रखना है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ. लुक हियर गाइस, आई एम स्टार्टिंग इट फ्रॉम द बिगनिंग. तो गाइस रिमेंबर दिस, व्हेन देयर इज फ्रैक्शन इन इक्वेशन, ब्रैकेट इन इक्वेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेट रिड ऑफ फ्रैक्शन, वी गेट रिड ऑफ ब्रैकेट्स. तो गाइस ब्रैकेट से जान छुड़ाने का सिंपल सा मतलब है ओपन द ब्रैकेट, मीन एक्सपेंड द ब्रैकेट. लेकिन फ्रैक्शन से जान छुड़ाने का सबसे पहला स्टेप है टेक एलसीएम, फैक्टराइज द डिनोमिनेटर. फैक्टराइज का मतलब है डिनोमिनेटर को सिंगल टर्म. तो लुक हियर गाइस, दिस इज फर्स्ट डिनोमिनेटर, दिस इज ऑलरेडी सिंगल टर्म. The second denominator 4, this is also single term. The third denominator 4, this is also single term. So guys, single term banane ki zarurat nahi hai. After factorizing the denominator, take LCM. So guys, LCM of denominator is 4. Hamara LCM aa raha hai guys, 4. Then LCM multiply by all of them. LCM multiply with this. Okay guys, then LCM isse bhi multiply hoga, to LCM is 4. Then this minus sign guys, as it is. Then LCM 4 also multiply by next. 11 upon 4x plus as it is. Then LCM also multiply by next 5 upon 4. Then LCM also multiply with this 0. Is it clear? In this way guys, the LCM definitely cancels that denominator. So look here guys, 2 1s are 2 2 2s are 4. So we have left 2, and in the inside bracket we have x square left. Then LCM cut that denominator, 4 cancel with 4. So guys we have left 1, and inside the bracket we have 11x. Then guys this 4 also cancel this 4, so LCM cancel that denominator, 1 left and 5. Okay, then 4 zeros are 0. So guys jab hum ye karte hai na, to hamare paas bahut easy aa jati equation 2x square minus 11x minus plus 5 equals to 0. तो गाइस ये दो स्टेप करने से हमारे पास इक्वेशन बिल्कुल सिंपल हो जाती है. लेकिन ज़्यादा टीचर्स क्या करते हैं, फ्रैक्शन से ही सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शन एंड तक चलाते हैं. तो गाइस मैं ऐसा नहीं करता. इसका रीज़न ये है क्योंकि जब आप बुक 3 में सबसे पहला टॉपिक करेंगे सॉल्यूशन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो गाइस उसमें इस तरह की इक्वेशन आती है. लेट मी एक्सप्लेन यू. लुक हियर गाइस, इस तरह की इक्वेशन आती है. लुक हियर गाइस, लुक हियर गाइस,
तो अगर आप लोग पुराने मेथड यूज़ करेंगे टीचर्स के कि फ्रैक्शन चलाते रहे, तो गाइज मैं हमेशा कहता हूँ गेट रिड ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से सबसे पहले जान छुड़ा दो। फ्रैक्शन से जान छुड़ाने का मतलब है इन डिनोमिनेटर्स को ख़त्म करना। तो इन डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के तीन स्टेप हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टराइज द डिनोमिनेटर, तो देखो गाइज, देन टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, देन एलसीएम में डिवाइड बाय ऑल द टर्म। इज इट क्लियर गाइज? नाउ गाइज मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, ओके जस्ट होल्ड ऑन गाइज। किसी क्वेश्चन याद था, क्वेश्चन क्या था? द क्वेश्चन वॉज वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर, देन माइनस इलेवन अपॉन फोर एक्स, इलेवन अपॉन फोर एक्स, देन प्लस फाइव अपॉन फोर, प्लस फाइव अपॉन फोर इक्वल्स टू जीरो। तो गाइस मैंने अभी बार बार एक ही इसको रिपीट करने का रीज़न है ताकि आपके दिमाग में ये बात घुस जाए। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल वी फैक्टराइज द डिनोमिनेटर, इट इज़ ऑलरेडी फैक्टराइजेबल, इट इज़ ऑलरेडी फैक्टराइज, फैक्टराइज का मतलब है सिंगल टर्म बनानी, सारे सिंगल टर्म डिनोमिनेटर है। देन टेक एलसीएम, एलसीएम आ गया फोर, देन एलसीएम, दिस एलसीएम विल मल्टीप्लाई विद फर्स्ट फ्रैक्शन, ओके इट ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय, ये माइनस एज इट इज ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट फ्रैक्शन, दिस इज इलेवन अपॉन फोर एक्स, इट प्लस एज इट इज इट ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट फ्रैक्शन विच इज फाइव अपॉन फोर, एंड इट ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय दिस जीरो, इट विल मल्टीप्लाई बाय ऑल ऑफ दैट। तो गाइस इस तरह क्या होगा, दिस डिनोमिनेटर कैंसिल विद एलसीएम, टू वन जर टू टू जर, तो गाइस क्या बच गया, टू और ब्रैकेट में बचा है वन एक्स स्क्वायर, तो वन तो लिखते ही नहीं हम। देन लुक हियर गाइस, दिस डिनोमिनेटर कैंसिल विद एलसीएम, फोर वन जर, तो गाइस माइनस वन बचा और ब्रैकेट में बचा इलेवन एक्स, देन फोर कैंसिल विद फोर, तो गाइस वन बचा प्लस वन और ब्रैकेट में बचा सिर्फ फाइव, इक्वल्स टू फोर जीरो जर जीरो। तो गाइस इन दिस वे वी गेट अ सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टू एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो। अब ज़्यादातर टीचर ये मेथड नहीं कराते, ज़्यादा टीचर क्या कराते हैं, फ्रैक्शंस को लास्ट तक चलाते हैं। अगर आप फ्रैक्शन को लास्ट तक चलाओगे ना गाइस, तो आपकी ये इक्वेशन चार पेज में सॉल्व होगी, और इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है। तो लुक हियर गाइस, नाउ वी गेट पॉजिटिव क्वाड्रेटिक, वी गेट लीनियर, वी गेट कॉन्स्टेंट, अदर साइड इज इक्वल्स टू जीरो। तो गाइस इसका मतलब हम इसे अब इसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो लुक हियर गाइस, टू एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो। तो गाइज नो ऑल कॉमन, नो पेयर कॉमन, नो आइडेंटिटी, ब्रेकिंग द लीनियर टर्म। तो गाइज ब्रेकिंग द लीनियर में फर्स्ट ऑफ ऑल वी मल्टीप्लाई क्वाड्रेटिक एंड कॉन्स्टेंट। तो गाइज प्लस प्लस प्लस, टू फाइव ज़ा टेन, टेन एक्स स्क्वायर, फिर इसके फैक्टर निकालेंगे, वन टेन ज़ा टेन, टू फाइव ज़ा टेन। तो गाइज हमें बनाना है इलेवन, तो देखो इलेवन इससे बन रहा है, सो दिस क्वाड्रेटिक टर्म विल रिमेन सेम, दिस कॉन्स्टेंट टर्म विल रिमेन सेम, दिस साइड इज इक्वल टू जीरो। तो गाइज हम इसको इसमें ब्रेक कर रहे हैं वन एंड टेन, वी आर ब्रेकिंग दिस, मैं इस लीनियर टर्म को ब्रेक कर रहा हूँ वन और टेन में, ओके गाइज। तो हम इसके हमें इससे बनाना है इलेवन, तो हाउ कैन वी गेट इलेवन, तो वन और टेन से इलेवन बनाना है बाय एडिशन और बाय सब्ट्रैक्शन। तो गाइज सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मीन बोथ प्लस और बोथ माइनस, वॉट वी नीड हियर, वी नीड हियर माइनस इलेवन, तो मैं इसके साथ भी माइनस वन एक्स ले लूँगा, इसके साथ भी माइनस, तो गाइज इट गिव अस माइनस इलेवन एक्स। तो लुक हियर गाइस, तो हमारे पास पेयर मिल गया हमें, तो लुक हियर गाइस नाउ हमें जो पेयर हमें मिला है माइनस एक्स एंड माइनस टेन एक्स, आफ्टर दिस गाइस पेयर कॉमन, दिस इज फर्स्ट पेयर एंड दिस इज सेकंड पेयर। तो गाइस इन द फर्स्ट पेयर वी हैव कॉमन ओनली एक्स, तो टू रिमेन सेम, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स एक्स लेफ्ट, एक्स एक्स स्क्वायर गाइस वन लेफ्ट, वन माइनस वन प्लस, आई एम टेकिंग माइनस एंड फाइव कॉमन, माइनस इसलिए है बिकॉज मुझे, तो माइनस माइनस प्लस, फाइव टू ज़ा टेन, टू एक्स लेफ्ट गाइस, ओहो गाइस होल्ड ऑन नहीं नजर आ रहा सही से। सो लुक हियर गाइस, माइनस एंड फाइव कॉमन, तो फाइव टू ज़ा टेन, एक्स बच गया, माइनस प्लस इज माइनस, फाइव वन ज़ा फाइव इक्वल्स टू जीरो। तो गाइस वी गेट सेम ब्रैकेट, तो वी विल राइट द सेम ब्रैकेट एज अ कॉमन, तो 2x minus 1 and x minus 5 inside the bracket equals to 0. When factorization is done, now we make two linear equations. 2x minus 1 equals to 0 and second is x minus 5 equals to 0. तो guys ये हो गया x equals to 5 और ये हो गया guys 2x equals to 1 and x is equals to 1 upon 2. तो guys this is done. I hope I make it clear.